गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. बहुत दिनों से रफीक साहब से हम ये इंतजार किए थे कि भाई कॉरपोरेटर लोगों से भी एक बार गुफ्तगू कराइए, और बहुत समय से ये ख्वाहिश था कि आप लोगों से बात करें. लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि आप लोग भी कुछ ना कुछ काम में मशरूफ रखते रहते हैं अपने एरियाज के डेवलपमेंट में और कुछ ना कुछ चीज़ों में. सब हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ ना कुछ हमेशा काम लगा रहता है, कभी बंदोबस्त का, कभी क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, कभी लॉ एंड ऑर्डर का, कभी धरना का, कभी स्ट्राइक का. तो कुछ ना कुछ इंगेजमेंट सबको लगा रहता है. तो इसीलिए दो तीन चार बार सोच कर भी आप लोगों को डेट नहीं दे पाए कि तसल्ली से आगे बात करेंगे, तसल्ली से आगे बात करेंगे. तो अब हम सोचे कि आज किसी भी हाल में आज शाम को पुरानी हवेली चल के और आज बात करते हैं. तो इसके पहले कि मैं आप लोगों से गुजारिश करूं बात करने का, और हमारे ऑफिसर्स जो है यहाँ एडिशनल डीसीपी साउथ जोन से लेकर पूरे एसीपीज, हमारे एसएचओज और कुछ एडिशनल इंस्पेक्टर साहब लोग भी आए, दो तीन चीज एक ऐसा है जिसमें कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग, उसमें आपके सोचने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, या आप और हम जिस कम्युनिटी, जिस ग्रुप, जिस मोहल्ले, जिस जहां से आते हैं, किसी को इसकी आपत्ति नहीं होनी चाहिए. एक तो जैसा कि आप जानते हैं हैदराबाद सिटी पुलिस में अलग अलग विंग है. सभी ऑफिसर्स, हमारे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच टास्क फोर्स एडिशनल डीसीपी, एडिशनल डीसीपी साउथ जोन, और हम लोग सब मिलकर एक मीटिंग की है जिसमें हम लोगों ने हमारे कॉरपोरेटर्स जो हैं साउथ जोन के, उनके साथ गुफ्तगू की. इस गुफ्तगू में जिन सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन हुआ उसमें एक दो चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा. सबसे पहली बात तो ये केवल पुराने शहर की बात नहीं है, पूरे हैदराबाद में और शायद सभी बड़े शहरों में हिंदुस्तान के हुआ है कि कुछ लोग वाइटनर के एडिक्ट हो रहे हैं. और ये एक ऐसा मसला है जिस पर कि मैं हर परिवार वालों से अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या वो इस एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं क्या, वाइटनर. और मैं उन सभी दुकान वालों को वार्निंग देता हूं कि अगर उनके जानकारी में अगर कोई एडिक्ट वाइटनर खरीद रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और वो भी जेल जाएंगे. एक नए जनरेशन को जो आगे अपनी पढ़ाई कर रहा है, जिसे आगे रोजगार की जरूरत है, उसको अगर आप वाइटनर देकर उसको गलत रास्ते पर ले जाएंगे तो ये हम हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से बर्दाश्त नहीं करेंगे. और सभी दुकान वाले को मैं वार्निंग देता हूँ कि अगर ऐसा खबर मुझे मिला तो आपके खिलाफ केस रजिस्टर होगा और आप गिरफ्तार होंगे. दूसरी बात जो हमारे कॉरपोरेटर भाइयों ने कहा वो ये था कि रात के वक्त कुछ ऐसी जगह है, खास करके कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ कुछ लोग देर रात तक बैठते हैं और उसमें से कुछ लोग गलत काम भी करते हैं. तो ये खबर मुझे मिली थी और आज उस खबर को हमारे कॉरपोरेटर भाई लोगों ने और पुख्ता किया और हमारे सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर जो पुराने शहर के यहाँ मौजूद थे, सभी लोगों ने ये एक वायदा किया है कि आने वाले समय में एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च करेंगे और जो लोग भी रात के वक्त इस तरह के ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में बिना किसी वजह के बैठते हैं, उसमें कुछ लोग जुआ खेलते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह के यूथ का कैरियर खराब हो और उनके खिलाफ केस बुक किया जाए. इसीलिए आप इसको एक वार्निंग समझिए और बिना वजह, बेवक्त आप उन जगहों पर नहीं जाएं.
तीसरी बात आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, खास करके हमारे कॉरपोरेटर की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई कि हमारे कुछ एरिया में जो जहां सड़कें थोड़ी पतली हैं, जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, वहां ब्लू कोल्ट मोटरसाइकिल का पेट्रोलिंग थोड़ा और अच्छा हो, तो ये भी हमारे पूरे सेक्टर एसआईज जो हमारे हर करीब 5-6 कॉलोनी को मिलाकर एक सेक्टर बनता है और 3-4 सेक्टर को मिलाकर एक पुलिस स्टेशन बनता है, तो सभी सेक्टर एसआईज की ये जिम्मेवारी है कि ऐसा कोई भी गली नहीं रहे जहां उनकी मोटरसाइकिल नहीं जाए। दिन में एक ही बार जाएं लेकिन ज़रूर कवर करें। और एडिशनल डीसीपी रफीक साहब ने पिछले करीब 10 दिनों में एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया है। आप लोग को मालूम होगा कि हमारे यहाँ जो पेट्रोलिंग सिस्टम है, जो शहर में जो 122 पेट्रोलिंग कार्स हैं इनोवा, ये एक रूट के तहत चलती हैं, तो वो रूट को पिछले 6-8 महीने में जो क्राइम हुआ है उस क्राइम को एक मैप पर प्लॉट करने के बाद एक नया जो पिक्चर इमर्ज होता है हर बार, उस पिक्चर को मद्देनज़र रखते हुए एक नया रूट बनाया है हमारे एडिशनल डीसीपी साहब ने, और उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम, सिटी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की टीम, आईटी सेल की टीम, उसको एनालिसिस करके उसको हम लोग फाइन ट्यून बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे, जिसमें कि जिस जिस जगह पे छोटी बड़ी वारदात हो रही है उनकी निगरानी, उनका पेट्रोलिंग और बेहतर तरीके से हो। और इसके अलावा जाने के पहले, रुखसत होने के पहले हमारे कॉरपोरेटरों के साथ जो बात हुई उसमें एक और अहम बात ये थी कि आज आपके और हमारे जहन में सबसे बड़ी चीज़ है कि नए बच्चों को अच्छी तालीम मिले, बड़े होने पर उनको अच्छा रोज़गार मिले, उनकी अच्छी तनख्वाह हो जिससे कि वो खुशी से रहें। ऐसे मौके पे 99.9% लोग यही चाहते हैं, लेकिन जो 0.1% 5% लोग हैं जो कभी सोशल मीडिया को लेकर गलत गलत तस्वीर फैलाकर इधर से उधर की बात करके उसको हिंदू मुस्लिम का इशू बनाना, उसको मंदिर मस्जिद का इशू बनाना, मैं उनको वार्निंग भी देता हूँ और उनको गुजारिश भी करता हूँ उनसे कि वो ऐसी चीज़ों में नहीं आए। हैदराबाद आज की तारीख में केवल एक चीज़ जानता है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, हमारे बच्चों को रोज़गार चाहिए, उनको अच्छी इल्म मिलनी चाहिए और अमन चैन चाहिए। इसके लिए आप और हम मिलकर एक साथ काम करेंगे, यही हमारा डिटर्मिनेशन है, यही हमारा इरादा है। थैंक यू।